Hello, I am Govin Gajani from CLC Seeker. CLC has conducted CLC Techno 23 on the date of 4th December 2022. Here we are describing the solution of mathematical portion. Now the first question: 8 subtracted from product of 2 and 3. Now 8. 8 will be subtracted from the product of 2 and 3. Product of 2 into 3 means 2 into 3 minus 8. टू इंटू थ्री क्या होता है आपका सिक्स सिक्स माइनस एट कितना आपका माइनस टू देन ऑप्शन नंबर थ्री विल बी करेक्ट आंसर नाउ हियर द क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2550 थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी minus फाइव वन जीरो माइनस टू सेवनटी माइनस नाइनटी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जो आपका स्मॉलर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे स्मॉलर ब्रैकेट हमने सॉल्व किया यहाँ पे क्या है 90 80 क्या होता है आपका 10 एंड 10 70 आपका क्या हो जाएगा आपका 80 इससे क्या आ जाएगा आपका 80 अब नाउ क्या करेंगे 290 270 सॉरी 270 में से हमने क्या किया 80 को माइनस किया तो 270 80 क्या होता है आपका 190 नाउ क्या करेंगे 510 में से 190 को माइनस किया क्या होता है आपका इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो टू एंड थ्री थ्री ट्वेंटी आ गया नाउ थ्री ट्वेंटी फाइव जीरो नाउ आंसर बिकम्स जीरो थ्री जीरो थ्री एंड टू टू मतलब टू थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी देन ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर में आपको दिया हुआ क्या करेंगे? इन दोनों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों को डिवाइड किया नाउ फोर्टी एट इज डिवाइडेड बाय सिक्सटीन देन वी गेट अ थ्री दोनों माइनस के हैं तो क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा आपका इनसे थ्री आ गया आपको क्या दिया हुआ माइनस दिया हुआ है और आगे क्या दिया हुआ माइनस का फाइव दिया है, तो है एट आ जाएगा अब आगे आपको इसके मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है माइनस एट को वन अपॉन फोर से कैंसिल आउट किया क्या आ गया माइनस टू आगे क्या दिया हुआ है माइनस ट्वेंटी टू अब इसको देखो यहां पे माइनस एंड माइनस माइनस का टू एंड माइनस एंड माइनस प्लस हो गया तो ट्वेंटी टू प्लस टू कितना आ जाएगा देन देन आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर नाउ वॉट इज द वैल्यू ऑफ सेवनटीन प्लस एट माइनस फिफ्टीन इज मल्टीप्लाई बाय थर्टी सिक्स माइनस एट माइनस ट्वेल्व और एट एट एंड ट्वेल्व आपको यहां पे जो ब्रैकेट हैं सो देट यहां के बीच में ये दिया हुआ आपकी है एरो माइनस ट्वेल्व क्या होता है माइनस का फोर तो थर्टी सिक्स माइनस माइनस फोर ठीक है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देन आंसर बिकम्स फोर्टी Now 40 is multiplied by 15. 15 is multiplied by 40. Then we get a 600. So 600 आ गया आपका 600. 600 8 is uh, 600 is subtracted from 8. 8 में से हमने 600 को minus किया. तो so, कितना आ जाएगा आपका 592. Now 592 आपका minus का आएगा आगे क्या है आपका 17, 17 माइनस फाइव नाइन टू देन वी गेट माइनस 575 विल बी करेक्ट आंसर तो देन ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर नाउ सीधा सा दिया हुआ है 500 इज मल्टीप्लाई बाय 300, 5 इंटू थ्री फिफ्टीन दो जीरो और दो जीरो क्या हो गया फोर जीरोस तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड विल बी करेक्ट आंसर सीधा सा दिया हुआ है थर्टीन थर्टीन इज मल्टीप्लाई बाय वन पीछे दो जीरो then option number fourth will be correct answer. Now, next question के अंदर आपको दिया हुआ about a 15 baseball are used in the professional baseball games. What is the best way to estimate how many baseball are used in the season of a 162 games? अभी क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे estimate करना है एस्टिमेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी पड़ेगी तो 57 के रिस्पेक्ट में हम एस्टिमेटेड वैल्यू क्या लिख सकते हैं 60 ले लिया और यहाँ पे 162 है इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू के टर्म में हमने क्या लिख लिया 160 जब 60 इज मल्टीप्लाई बाय 160 देन ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज 678 इज मल्टीप्लाई बाय 497 नाउ आप देख सकते हो आराम से नाउ जेमिनी रॉक्स कलेक्ट किर किए थे ईच ईयर सी कलेक्टेड नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स रॉक्स एक ईयर के अंदर उसने कितने रॉक्स कलेक्ट किए थे हाउ मेनी रॉक्स कलेक्टेड थ्रू द टेन ईयर्स दस सालों में उसने कितने डॉक्स कलेक्टेड किए थे तो हम क्या करेंगे 19856 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे वन लैक नाइनटी एट थाउजेंड 98560 विल बी करेक्ट आंसर नाउ ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर नाउ वन अपॉन ट्वेंटी फोर ऑफ अ डे अ डे डे मतलब ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स की बात कर रहे हैं तो वन अपॉन ट्वेंटी फोर अवर्स नाउ ट्वेंटी फोर अवर ना ट्वेंटी नंबर इलेवन ये आपको क्वेश्चन किसका दिया हुआ है एडिटिव इनवर्स का दिया हुआ है so, तो अब सेवन अपॉन एट प्लस जीरो तो सेवन अपॉन एट प्लस जीरो क्या हो जाएगा आपका हमने क्या किया सेवन अपॉइन एट में हमने जीरो को ऐड किया. मतलब किया? किया तो जीरो को ऐड करने पे वापस क्या आंसर आता है वापस सेम आंसर आता है नाउ कोई नंबर है उसमें हमने फोर अपॉइन फाइव को ऐड किया देन आंसर बिकम्स फोर अपॉइन फाइव वापिस वही मतलब हमने ऐड क्या किया है जीरो ऐड किया है तो जीरो ऐड करेंगे तो जीरो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी करेक्ट आंसर अपॉन फोर इज मल्टीप्लाईक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन सिक्सटीन मतलब हमें इक्विल आपका देखो फोर का क्या बन गया फोर का आपका बन गया सिक्सटीन सो वी हैव टू मल्टीप्लाई फोर बाय फोर ओके सो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई थ्री बाय फोर देन वी गेट थ्री इंटू फोर कितना होता है ट्वेल्व ट्वेल्व विल बी करेक्ट आंसर

7 and 7 is multiplied by 7 then we get a 49 now 55 minus 49 then we get a 6 upon 77 will be a correct answer now add 3 upon 5 plus 2 upon 8 then we have to a lcm of both of these number that is a 40 ई बाय टू देन वी गेट ए टेन क्या आ जाएगा थर्टी फोर अपॉन फोर्टी फ्रॉम द टेबल ऑफ टू बोथ ऑफ दीज नंबर कैन बी ए कैंसिल आउट द 34 is cancelled out by 2 then we get a 17 and 40 is a cancel out by 2 then we get a 20 17 upon 20 will be a correct answer then option number first will be a correct answer now subtract a 7 upon 8 minus 8 upon 11 then we get a lCM of both of these number that is a 88 now 80 is divided by 8 then we get a 11 and 11 is multiplied by 7 then we get a 77. Now, 80 is divided by 11, then we get a 8. 8 is multiplied by 8, then we get a 64. Now, 77 minus 64, then we get a 13 upon 88. That will be a final answer. Now, option number second will be a correct answer. Now, an engineer built a road 6 2 upon 3 miles along. सेकेंड रोड ही बिल्ट वॉज फोर टू अपॉइंट नाइन माइल्स लॉन्ग वॉट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ टू रोड्स ही बिल्ट एक इंजीनियर ने दो रोड्स बनाई थी एक की आपकी लेंथ दी हुई है सिक्स टू अपॉइंट थ्री माइल्स सेकेंड की आपको लेंथ दी हुई है फोर टू अपॉइंट थ्री माइल्स नाव ही जस्ट वॉन्ट टू से फाइंड देंथ तो दोनों को एड करना पड़ेगा तो दोनों को एड करेंगे तो हमें यहां पर दिख रहा है जब इनको एड करेंगे नाव फोर अपॉन फाइव इंटू टू अपॉन थ्री तो हमने क्या किया फोर को टू से मल्टीप्लाई किया एट एंड फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई किया फिफ्टीन एट अपॉन ना इज मल्टीप्लाईन इलेवन देन वी वीव टू मल्टीप्लाई ऑफ़ सिक्स इंटू फाइव थर्टी एंड ट्वेल्व इंटू इलेवन वन थर्टी टू तो थर्टी अपॉन वन थर्टी टू विलेक्ट आंसर नाउ सेवन अपॉन ट्वेल्व इंटू सेवन अपॉन ट्वेल्व then we have to multiply both numerators 7 into 7 49 and we have to multiply both denominators 12 into 12 144 then 49 upon 144 will be correct answer. now jenny picked the berries weighing off of a 4 upon 4 of a pound c put them equally in the three containers how many

Clara Clara made a soap 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 weighing six upon upon pound. divided the soap into the into four equal pieces. How much did each क्या था pound का soap था उसने उसको four equal parts के अंदर ये आपका weight का इसके पास टोटल क्या था सोप था उसको उसको क्या कर दिया फोर इक्वल पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया तो सिक्स upon सेवन में क्या करेंगे फोर का डिवाइड कर देंगे तो सिक्स अपॉन सेवन में फोर तो so, क्या हो जाएगा किएगा करेक्ट आंसर लिक्विड प्रोटीन साइंटिस्ट के पास में क्या था वन अपॉन थ्री ऑफ ओन्स

मैट फैकल्टी सीकर आज हम टेक्नो जो थर्ड और फोर्थ फेज जो कंबाइंड में हो रहा है उसके मैट के पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं आइए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑफ द द फॉलोइंग वर्ड विल कम सेकंड इन इंग्लिश इंग्लिश डिक्शनरी मतलब इन वर्ड्स में से हमें ये बताना है कि कौन सा सेकंड नंबर पर आ रहा है इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले फर्स्ट लेटर एम 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 तो पे डिसाइड नहीं हुआ ए ए फिर यहां भी ए मतलब इस लेटर से भी डिसाइड नहीं हुआ यहां जी, आ, यहाँ आ, यहाँ जी आ, यहाँ आ रहा है यहां टी आ रहा है यहां जी रहा है और यहां आर रहा है। मतलब फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से होगा फिर यहां आई था और यहां एन है तो पहले कौन हुआ आई वाला और सेकंड कौन हुआ एन वाला और हमें क्या पूछा है यहाँ से कि सेकंड नंबर पे कौन है तो यहां से अगर हम देखें एम ए जी आई एम ए जी एन तो यहां से फर्स्ट नंबर पर सेकंड नंबर पे मीन आंसर नंबर सेकंड ऑप्शन हाउ मैनीर इन दर्ड इंस्ट्रक्शन वर्ल्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेट मतलब जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आई एन एस टी आर यू सी टी आई ओ एन ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है अब हमें इनमें से लेटर्स पता लगाने की कि कितने हैं आई के बाद में हम जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बना फिर एन के बाद में ओ पी क्यू आर एस टी तो यहाँ से टी बन गया हमारे पास तो एक तो बन गया हमारे पास एन एन टी दोबारा चेक करते हैं एन के बाद में ओ पी क्यू आर एस टी फिर यू वी डब्ल्यू नहीं है फिर एस के बाद में टी तो एक बन गया हमारे पास एस टी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है टी के बाद में भी नहीं है आर के बाद में आर के बाद में हमारे पास जो बनेगा आर के बाद में एस टी यू वी डब्लू एक्स सी के बाद में डी ई एफ जी टी के बाद यू वी डब्लू नहीं है आई के बाद जे के नहीं है ओ के बाद में पी नहीं, नहीं, नहीं है इधर नहीं है अब हम लोग इधर चेक करते हैं एन के बाद में ओ तो एक पेयर बन गया हमारे पास एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स नहीं बना ओ के बाद में बनेगा ही नहीं यहां से आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बना टी के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना फिर सी के बाद में डी ई एफ जी एच आई इस सी के बाद में और आई के तो दोबारा चेक कर लेते हैं सी के बाद में डी ई एफ सी के बाद डी ई एफ जी एच आई तो एक पेयर हमारे पास बन गया Option में अगर हम लो तो तो हम लोग लोग देखें तो तो कितना है पे बढ़ते हैं हैं. और आगे देखते होगा वर्ड ब्लैकिस बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एज इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट तो हमारे पास जो ये जो लेटर दिए हुए हैं इस वर्ड के इनको हमें क्या करना है Beginning of the English alphabet, आज away from the, तो सबसे पहले इन्हें जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये मतलब का sequence है और ये लेटर्स है तो हमें जहां से दिख रहा है जैसे सी थर्ड नंबर पे आता है और एच ईट नंबर पे आता है मतलब दो लेटर ऐसे हैं इस वर्ड में जो उतने ही डिस्टेंस पे हैं जि, जिस पे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं तो

टी एम एच सॉरी इस G की जगह क्या होगा माइनस वन तो F H नहीं होगा बेटा सॉरी तो I माइनस वन U माइनस वन टी एन माइनस वन एम जी माइनस वन एफ एल माइनस वन के और E माइनस वन डी तो I T M F K D. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर मैन इज फेसिंग टू साउथ मैन इज फेसिंग टू उथ ही टर्न वन थर्टी फाइव डिग्री इन अ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड वन एट्टी डिग्री इन द क्लॉक इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन अगर हम लोग कैंसिल भी करते हैं तो फोर्टी फाइव डिग्री एंटी सॉरी क्लॉक वाइज बचा हमारे पास फोर्टी फाइव डिग्री कितना बचा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बचा दैन इन जो डायरेक्शन यहाँ से हम लोग इंप्लीमेंट कर देंगे फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो ये आ जाएगा साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर यू गो नॉर्थ आप नॉर्थ में जा रहे हैं टर्न राइट से राइट टर्न लिया टर्न टर्न राइट राइट अगेन अगेन से लिया। एंड गो टू फाइंड योर फेस डायरेक्शन नाउ अब फेस डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में ईस्ट में तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर नेक्स्ट प्लेइंग कार्ड्स व्हेन

टूवर्ड साउथ तो साउथ की तरफ फेस किसका होगा सी का ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर क्वेश्चन फिगर है हमारे पास वॉट मिरर लगाई रखा है मीन्स ये टू यहाँ और ये इस तरीके का कोई फिगर हमारे पास है? बन जाएगा मतलब एक क्यूब के अंदर इस तरीके का फिगर बन जाएगा या फिर हम लोग अगर मैं इसे इस कैंसिल करूं और फिर मैं यहाँ से ये कहूँ की हमारे पास ये एक क्यूब था जिसमें यहाँ ये ये वाली पोजिशन और ये डार्क रहना चाहिए तो ऐसा पोर्शन हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते थे ये तो एक परसेंट नहीं होगा ये वाला पोर्शन आ नहीं सकता उल्टा हो नहीं सकता तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हाउ मेनी टाइम्स इफ यू राइट ऑल द नंबर थ्री टू नाइनटी फोर टू नाइनटी फाइव टू नाइनटी सिक्स टू नाइनटी सेवन टू एट 299 और 300 अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हमारे पास बन रहा है तो 13 ऑप्शन में नहीं है तो इन जीरो को भी हम कंसीडर कर लेते हैं और आंसर हो जाएगा ऐसे 15 13 टू 15 नितिन रैंक 18 इन द क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट नितिन का जो रैंक है वो 18th रैंक है इन द क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट टोटल

और ये चार पोजिशन शिफ्ट कर दी जाए राइट में सी बिकम्स लेफ्टा यहां से राइट एंड ऑफ द रो तो ये ट्वेल्थ पे है तो टेंथ है, ये है ये और ये मतलब मोनिका के इधर से कौन से पोर्सन है एट्थ या फिर ट्वेल्व है और वापिस पोर्सन फोर आएंगे तो ट्वेल्व माइनस फोर एट अब हमें इधर से इसका पोर्सन कैलकुलेट करना है तो एक्स कंसिडर कर लिया तो एट प्लस एक्स माइनस वन इक्व ट्वेंटी टोटल सेवन एट माइनस वन सेवन तो ये आ जाएगा मिसिंग ट्रम इन सीरीज यहां से सीरीज में फॉलो करना है तो सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस है एट अब इन दोनों में डिफरेंस टेन का दिख रहा है इन दोनों में डिफरेंस ट्वेल्व है इन दोनों में डिफरेंस फोर्टीन है और इन दोनों में 6 और और है है क्या? 10, 6 और 7 हो गया ना? तो यहां से ये 2, 2, 2, 2. मतलब नेक्स्ट एटीन का होगा तो सेवन और सेवनटी प्लस टेन एट्टी एट मतलब right यहाँ से भी सीरीज जो बनी हुई है हमारे पास अंदर कैलकुलेट करना है आई थिंक इसे मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं फोर थ्री माइनस टू टेन बन रहा है ये सीरीज। ऑप्शन में भी है। अब एक बार आगे का सीरीज फॉलो कर लेते हैं ट्वेंटी एट इंटू थ्री माइनस टू एट थ्री पावर टू थ्री टू जा सिक्स और एट माइनस टू एट्टी टू राइट आंसर सीरीज क्या बन रही है मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस टू सेट ऑफ द फिगर रिलेटेड इन द सम मैनर इज गिवन फाइंड द फिगर दैट कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क मतलब इन दोनों फिगरों में रिलेशन तो अगर मैं यहाँ मीर कंसिडर करूँ तो यही इमेज बनेगी तो यहाँ मीर कंसिडर कर लेता हूँ मैं तो ये वाली इमेज मेरे पास बनेगी और ऐसा ऑप्शन मुझे ऑप्शन नंबर सेकेंड दिख रहा है स्टडी द फिगर गिवन बिलो केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इनमें से देखना है वट इज द सम ऑफ द नंबर विच बिलोंग टू दी वन फिगर ऑनली वन फिगर और हमें क्या करना है सम करना है तो यहाँ से सबसे पहले वन थ्री फाइव सेवन वन फोर यही तो है वन फिगर से तो फोर फोर एट एट और फाइव हो गए थर्टीन थर्टीन ट्वेंटी वन आंसर हो रहा है या फिर इन्हें कर सकते हैं एक बार वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस वन प्लस सेवन प्लस फोर ये तो नंबर है ना वन थ्री फाइव फिर वन फिर सेवन फिर फोर तो ये हो गए सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन और सिक्स कितने तो हो गए ट्वेंटी वन ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स माई नेम इज पुखराज जाखड़ टीम फिजिक्स सी एल सी सीकर

लोड होता है वो सेकेंड कॉर्ड पर एंड द जो एफर्ट होता है वो होता है बिटवीन द लोड एंड फलक्रम तो ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा द इफेक्ट इज अप्लाइड बिटवीन द फलक्रम एंड लोड ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर से दैट द मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट बिकॉज़ इट्स लाइक रेड कलर रेड पीपल लिव ऑन इट देयर इज अ लेयर ऑफ रेड डस्ट और ऑल ऑफ ऑप्शन थर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाए रेड डस्ट इट मार्स पे आयरन ऑक्साइड होता है जो रेड इन कलर होता है और इसकी रॉक्स और डस्ट होती है जो स्पीड में विंड्स वगैरह चलती है उसकी वजह से एक डस्टी एनवायरनमेंट होता है और रेड कलर होता है इसलिए वो हमें रेड दिखाई देता है नेक्स्ट okay, क्वेश्चन कलेक्शन ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड डस्ट स्टार्स एंड डस्ट होता है ठीक है तो ऑप्शन फोर हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44, फोर विच ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लेथ और इनके बीच रिलेक्स ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है वन किलोमीटर इज इक्वल टू टेन हेक्टोमीटर बिल्कुल सही ऑप्शन वन किलोमीटर इज इक्वल टू टेन हेक्टोमीटर होता है ठीक है सेकेंड है वन किलोमीटर इज इक्वल टू हंड्रेड डेकामीटर डेकामीटर तो वन हेक्टोमीटर इज इक्वल टू होता है टेन डेकामीटर तो वन किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इंटू इज इक्वल टू हंड्रेड

तो हमारा जो वैल्यू होगा फिर उसको वापस किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एट ग्राम एट किलोग्राम एंड टू सिक्सटी ग्राम को मैं लिख सकता हूं एट थाउजेंड ग्राम प्लस टू सिक्सटी ग्राम सेकंड थ्री किलोग्राम है थ्री थर्टी को थ्री थाउजेंड ग्राम प्लस थ्री थर्टी ग्राम प्लस टेन किलोग्राम टेन किलोग्राम को टेन थाउजेंड ग्राम हो जाएगा प्लस 85, फाइव एटी फाइव ग्राम ये सब क्वांटिटी ग्राम में आ गई इन सब को एड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज जाए आ जाएगी इक्कीस सिक्स सेवेंटी फाइव ग्राम इसको वापस किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो थाउजेंड से डिवाइड कर दो तो यह इक्कीस के जी प्लस सिक्स फाइव ग्राम आंसर तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट

लेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मिल्की वे इज द ओनली स्पाइर शेप गैलेक्सी इन यूनिवर्स गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत सारी गैलेक्सीज है जो आ, शेप में है। एक जून में से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जो स्पाइर शेप में है ठीक है? है।, 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 है वीनस इज द हॉटेस्ट प्लान सोलर सिस्टम बिल्कुल वीनस है सबसे हॉटेस्ट होता है क्योंकि यहाँ क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हीट ट्रैप होती है और उससे टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाता है ये सबसे हॉटेस्ट होता है ठीक है सेटेलाइट लाइक मून आर द स्मॉल हेवनली बॉडीज रोल अराउंड ए स्टार नहीं ये प्लानिट के अराउंड रिवॉल्व होता है जो अर्थ के अराउंड अर्थ।, अर्थ के है प्लानिट है स्टार थोड़ी ना तो ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है तो ये आप स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएगी और हॉटेस्ट हो होता है विनस सबसे ये सही है और फर्स्ट है ये गलत हो जाएगी फोर्थ है सोलर ईयर कंसिस्ट थ्री जीरो फाइव डेज ये गलत ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉरी ऑप्शन सेकेंड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्लैनेट वीनस इज हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम ठीक है नेक्स्ट रेफर टू द फॉलोइंग फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट ये अर्थ का इनर जो लेयर्स है उनको बताया है ठीक है तो सबसे इनर पार्ट होता है पी देखा या तो पी को हम बोलेंगे इनर कोर बेसिकली मेन चार लेस मैं डिवाइड करते हैं आपको ठीक है तो फर्स्ट है जो इनर कोर हो जाएगी ये क्यू है इसको हम लिखेंगे आउटर को. कोर उसके बाद आता है मेंटल आर हो जाएगा हमारा आर हमारा हो जाएगा मेंटल और ये हो जाएगा आपका सबसे बाहरी हो जाएगा जो आउटर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रस्ट ठीक है अब देखते हैं हम क्या होता है ऑप्शन चेक करते हैं होती है वो सॉलिड होती है एंड इसमें आयरन होता है तो so, निकल नहीं होगा आयरन से बनी होती है तो ये ऑप्शन गलत हो गया आर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज सॉलिड आर ये मेंटल है मेंटल हॉटेस्ट पार्ट नहीं होता हॉटेस्ट पार्ट इनर कोर होता है ये जो कोर होता है सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है तो ये भी है क्यू इज कनेक्टेड टू द विद हेल्प ऑफ क्यू क्यू होता है आउटर कोर इज कनेक्टेड विद हेल्प ऑफ वोल्कनोज टू द दउटर सर्फेस नहीं वॉल्नोज से ये भी कनेक्ट नहीं होता ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा मिनरल्स एंड ऑयल डिपोजिट आर फाउंड इन द दार्ट ऑफ एस एस ए क्रस्ट ये सही होगा क्रस्ट सबसे आउटर पार्ट होता है और सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है ठीक है थिनेस्ट लेयर होती है और उसी में क्या होता है ओशियंस और लैंड सब इसके ऊपर रेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो ऑयल मिनरल्स वगैरह सब होता है वो जो आउटर थिनेस्ट होती है जो क्रस्ट बोलते हैं जिसको उसमें मिलते हैं सारे तो ये ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन वन ऑफ टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स फंडामेंटल फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल फोर्स है टाइप नहीं है ठीक है फंडामेंटल फोर्स यहाँ पे नहीं आएगा तो ऑप्शन फोर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फंडामेंटल विच इज नॉट ए टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स ठीक है तो ये ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे हमारा राइट right आंसर होगा Force, जो कि नहीं है. 50, इसका हो जाएगा, दो इंसुलेटर कोई मटेरियल है उसको अगर रब करेंगे तो दोनों चार्ज हो जाएगा एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जब दोनों को फिर पास में लेके आएगा पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से वो दोनों एक दूसरे को पिक कर दे जो कॉम्ब होगा वो उस पेपर्स के जो टीनी पेपर्स है उनको पिक कर लेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ठीक है यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसी के साथ ये कंप्लीट थैंक यू वेरी मच हेलो हेलोराज टीम केमिस्ट्री केमिस्ट्रील्स सीकर से अगर हम फिफ्थ क्लास के केमिस्ट्री के पार्ट की अगर कर बात करें तो पहला सवाल जो बोलना चाह रहा है देखो पेट्रोलियम इज नोन एज बात करना चाह रहा है कि पेट्रोलियम को कहा जाता है कि पहला ऑप्शन देखो आप पहला ऑप्शन जो है कच्चा तेल कहा जाता है कोयला है प्राकृतिक ईंधन नहीं है और चौथा जो ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन नहीं है देखो ध्यान से तो जो कोयला जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है पेट्रोलियम जो है एक लिक्विड फॉर्म ऑफ फ्यूल है ठीक है और ये एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन होता है और ये एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन होता है ठीक है लेकिन इसमें थर्ड ऑप्शन जो बात करना चाह रहा है जीवाश्म ईंधन नहीं है प्राकृतिक ईंधन नहीं है तो ये ऑप्शन क्या हो गया ये भी गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया और कोयला जो होता है इसका सॉलिड फॉर्म होता है ठीक है जबकि पेट्रोलियम जो है एक प्रकार का कच्चा तेल के रूप में इसको आप यूज करते हो ठीक है और ये हो गया इसका क्रूड ऑयल का ऑप्शन आ गया इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा बेटा अगले सवाल की अगर कर बात करें अगला सवाल जो बोलना चाह रहा है 52 नंबर का जो सवाल है बोलना चाह रहा है सोलर एनर्जी इज आल्सो नोन एज फॉलोज कि सोलर जो सौर ऊर्जा को निम्न प्रकार से भी जाना जाता है सौर ऊर्जा को क्या कहा जाता है कि देखो सोलर ऊर्जा जो होती है एक नवीन करणीय ऊर्जा संसाधन होता है कहने का मतलब है इसको आप बार बार यूज कर सकते हो और ये अनंत इसका भंडार है इसका अनंत भंडार है ये खत्म नहीं होने वाला ठीक है तो ये इसका ऑप्शन जो आएगा इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है ये समाप्त नहीं होने वाला संसाधन होता है और ये नवीन करणी संसाधन है ठीक है ऑप्शन होगा इसका सेकेंड बेटा अगला सवाल जो है बोलना चाह रहा है कि वाट इज नोट ए सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा एक ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो आपको पता है कोयला जो होता है एक एनर्जी का सोर्स होता है प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस जो सी एस फोर जो होती है प्राकृतिक गैस जो होती है वो भी एक प्रकार की क्या होती है ऊर्जा का सोर्स होता है और सूर्य जो होता है सूर्य जो होता है वो सोलर ऊर्जा का सोर्स होता है लेकिन जो वर्षा जो होती है रेंज होती है इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती आपकी तो ऑप्शन आएगा इसका थर्ड ऑप्शन जिस प्रकार ऊष्मा संबंधित है अधिक उष्मा वाष्पन से संबंधित है उसी प्रकार कम उष्मा किससे संबंधित होगी बात को ध्यान से कि मेल्टिंग जो प्रोसेस होती है पिघलने की जो प्रोसेस होती है आपको पता है किसी भी मेटेरियल को सॉलिड को आप पिघला हो गया आप तो आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी ठीक है यदि किसी भी मेटीरियल को सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाओगे आप सॉलिड से यदि गैस बनाओगे तो इसमें भी आपको हीट की या एनर्जी की आवश्यकता होगी आपको गर्म करना पड़ेगा अगर बात करें उबलने की कोथना की बात करें उबलने की बात करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी को यूज होगा एनर्जी का यूज होगा एनर्जी कम आएगी अधिक उष्मा की आवश्यकता होगी लेकिन बात करें कंडेंसेशन की बात करें संगणन की तो कहीं ना कहीं इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी एनर्जी का कमी होगी एनर्जी की कम आवश्यकता होगी तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा थर्ड ऑप्शन कंडेंसेशन कंड होगा ठीक है तो संगणन जो होगा उस वो जो है एक कम उषमा से संबंधित सिस्टम होगा ओके तो इसका ऑप्शन आएगा सेकेंड अगले सवाल की अगर बात करें अगला सवाल जो बोलना चाह रहा है निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक दर्व होता है आपको पता है कमरे के ताप की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बात होती है ठीक है तो उस टेम्परेचर में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपको पता है फॉर्म में होती है कैसी फॉर्म में होती है गैसियस फॉर्म में होती है जो लिक्विड जो बात करें लोहा नालिका की बात करें आयरन ट्यूब की अगर कर बात करें तो ऐसी जो होगा आपको पता है सोल्ड फॉर्म में होता है अरे लोहा क्या होती है सोल्ड फॉर्म में होता है कमरे के ताप पर अगर गैस की बात करें ऑक्सीजन गैस की बात करें और सिर्फ ऑटो की बात करें तो आपको पता है ऑटो जो होती है पच्चीस डिग्री सेंटीग्री पे तो क्या होती है गैसियस फॉर्म में होती है लेकिन तेल जो होता है ऑयल जो होता है क्या होता है बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होता है ऑप्शन क्या आएगा इसका थर्ड ऑप्शन आएगा बेटा 56 बड़ा सिंपल सा सवाल है कि वायु में जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसको आपको पता होमोडिटी बोलते हो आप इसको नमी बोलते हो ऑप्शन क्या आएगा इसका थर्ड ऑप्शन आएगा बेटा अगला सवाल जो बोलना चाह रहा है कि चलती हवा जो होती है आपको पता है उसको क्या बोलते हो पवन बोलते हो चलती हवा क्या बोलते हो विंड बोलते हो मॉइस्चर जो होती है पानी की मात्रा होती है हवा में उपस्थित ठीक है जल चक्र का मतलब है बारिश होगी नदियां बनेंगी फिर समुद्र में चले जाएंगी और फिर सी वास बन के बादल बन जाएंगे ये जो प्रोसेस है बार बार चलती रहती है इसमें अलग ही कोई और भी पार्ट होते हैं कुल मिला के बाद जो होती है यही बात सिस्टम घूमता रहेगा पानी आएगा

जब मास के ऊपर को जो फोर्स लग रहा है उसको आप भार बोलते हो डेंसिटी जो होती है मास बाय वॉल्यूम होती है ठीक है और टाइम जो होता है समय जो होता है बात ही अलग है, ठीक है ये तो टाइम तो अलग है, है इसका सिस्टम अलग है तो इसका आएगा मोलिक्यूल से कोई भी मैटर जो होता है कोई किसने किसी मोलिक्यूल से बना होगा ठीक है किसने किसी मोलिक्यूल से बनाएगा ऑप्शन इसका आएगा थर्ड ऑप्शन मैटर अगले सवाल की अगर बात करें अगला सवाल बिल्कुल सिंपल है अणो के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है अधिकतम किस में होता है इंटर मोलिकुलर फोर्स जो होता है सबसे अधिक जो होता है आपको पता है गैसेस के जो मोलिक्यूल होते हैं दूर दूर होते हैं लिक्विड के जो मोलिक्यूल हैं थोड़े पास होते हैं ठीक है लेकिन सोल्ड के जो मोलिकूल हैं बिल्कुल पास होते हैं क्योंकि इनमें अट्रैक्शन जो फोर्स है बहुत ज्यादा होता है आकर्षण जो बल होता है बहुत ज्यादा होता है इसका ऑप्शन आएगा बेटा सेकेंड ऑप्शन अधिकतम जो है बल किस में लगेगा सोल्ड जो मेटेरियल जो होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा नंबर के सवाल की अगर बात करें बोलना चाह रहा है कि विलियन में सर्वाधिक कम मात्रा वाला पदार्थ है देखो विलियन जो होता है आपको होता है, जो होता है, जो होता है, जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं एक तो विलय होता है ठीक है और एक होता है बेटा विलायक कहने का मतलब है जो सोल्यूशन जो होता है सोल्यूशन में एक तो सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट एक क्या होता है सॉल्वेंट होता है तो जैसे हम बात करें जैसे एक गिलास आपके पास पानी है आपने पानी लिया आपने एस टू यूज किया और इसमें आपने मिलाया थोड़ा दो चम्मच आपने एनए की मिला दी ठीक है तो जो एन जो है इसका होगा सोल्युट पार्टिकल और जो एस्टो जो है जिसकी मात्रा ज्यादा है उसका आप बोलोगे सोलवेंट और एन एस सी एल और प्लस एस्टो जो मिला उसका आप बोलोगे सोल्यूशन तो जो कम मात्रा में है उसको आप बोलोगे सोल्यूट इसको बोलो बोलो क्या बोलोगे विले बोलोगे क्या आएगा इसका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन ठीक है ओके शुक्रिया थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ निकिता साबू बायोलॉजी फैकल्टी टीम सीएलसी चलिए हम सी एल सी टेक्नोकी बायोलॉजी पोर्शन का सोल्यूशन करते हैं देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 61 पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फेंग्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं मलेरिया इज स्प्रेड बाय विच मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज स्प्रेड्स मलेरिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं मलेरिया इज कॉज्ड बाय राइट नाउ क्या पूछा गया है आपसे कि कॉज किससे होता है तो मलेरिया कॉज होता है प्रोटोजोआज ठीक है और स्प्रेड होता है फीमेल एनाफिलिस से नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं विच वन ऑफ दी फॉलोइंग रेप्टाइल कम ऑन टू लैंड टू ले देयर एग्स एंड ब्यूरी द एग्स इन अ होल इन अ सैंडी बीच इसका करेक्ट आंसर होगा सी टर्टल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ हेड लेबल्ड एज एस एक्स वाई जेड ये एक्स क्या है ये है स्कल ये एक्स क्या है ये है सेरिब्रम क्या क्या है है स्पाइनल तो फर्स्ट आंसर अपना करेक्ट हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ठीक है क्या पूछा गया है द डेवलपमेंट ऑफ सीड इंट सीडलिंग विच फर्दर डेवलप इंटू प्लांट इसे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे हम जर्मिनेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट डज नॉट रिक्वायर फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या नहीं होगा ऑक्सीजन नहीं होगा ठीक है और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल होंगे ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं इफ एन स्ट्री डॉग बाइट योर फ्रेंड वॉट ही शुड डू ठीक है क्लीन द वुंड विद रनिंग वाटर सोप सही बात है गो टू द डॉक्टर फॉर इमेशन सही बात है तो बोथ वन एंड टू जो रहेगा करेक्ट रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए